हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इस्माइल, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ केरला में, तो मेरे लिए तो नया ही होगा। तो मिलते हैं फटाफट ग्लव्स लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे दो दो स्पाइडरमैन, बाय बाय, आता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चलो अल्लाह हाफिज़। चल जा रहा हूँ। हाँ आराम से जाना। हाँ मिलते। हाँ भाई जा। चलो अब्बा बाय, मिलता हूँ। फोन करा। हाँ फोन करते हुए। हाँ हाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी बज रहे एक, दोपहर के एक बज गए, तो बड़ा ही ऑड टाइम है। गर्म बढ़ गया है, धूप बढ़ गई है, ग्लव्स मिल गया, ऑल सेट, फ्यूल कर लेते, फ्यूल अप कर लेते। अरे यार एक ये मगजमारी आ जाएगी अभी। ट्रैफिक। हाँ केरला। हाँ थैंक यू। सो गाइस 803 का पेट्रोल आ गया, कुछ 9 लीटर समथिंग, पता नहीं 90 का है, 90.33। ड्राइव इनटू नेचर का नया सीरीज चालू हो चुका है, देखते हैं कितना पार्ट बनता है। पहला फिलहाल पार्ट बनाएंगे, यहाँ से जो भी डेस्टिनेशन होगा, जो भी मिलेगा वहाँ तक का बनाएंगे, बाद में देखते हैं कि क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ा हाईवे पे, ट्रैफिक व्रूफिक मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधा जो डेस्टिनेशन है उसका वीडियो आएगा ये, तो मज़ा आना मांगता है थोड़ा, पब्लिक को भी बोर नहीं मारना मांगता है। सो गाइस थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मैं मतलब बहुत मतलब रिजल्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी मेहनत को सपोर्ट कर रहे हो, वीडियोज़ को आप लोग पसंद कर रहे हो। ऐसे ही पसंद करते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा और बेहतर होता जाऊँ, इंशाल्लाह और अच्छे वीडियोज़ आएंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कलमबोली जंक्शन, यहाँ से सीधा बाइक अलाउ नहीं है। यहाँ से अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट हो जाता है, तो बाइक माइकल साहब का रिकॉर्ड है, यहाँ पर अंदर जाके रिटर्न मार के आए। तो भाई लोग लोनावाला का घाट चढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये घाट चढ़ने का अलग ही मज़ा है। बाइकर्स लोग के वो पैराडाइज और रिस्क भी रहता है वैसा। और अल्पेश का कॉल आ रहा है हमको, अल्पेश से बात करते, बहुत मज़ा आता है इसके साथ राइड करने। क्या बात है भाई, आज एक्सप्रेस हाईवे पूरा खाली खाली है। और एक चीज़ गाइस मैंने अभी नोटिस किया, एक अर्टिगा घूम रही है जिसका पूरा पीछे का डिक्की खुला है और उस पर कुछ एक मशीन लगी हुई है और काफ़ी सारे पुलिस वाले उसके आजू बाजू जमा है। जैसे वेंडरसन के वीडियो में पता चला कि वो चीज़ जो है वो एक स्पीड कैमरा है। चलो भाई टाइगर पॉइंट नहीं जाना है आज। सो लोनावाला पहुँच गए हैं 3:16:17 अंकल। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जो कामशेत का ऑफ रोड का एडवेंचर का जो था राइड, वो टावर वो जो सामने दिख रहा है, हम लोग वहाँ तक गए थे और उसके नीचे जो सेल्फी पॉइंट है उसका, वहाँ तक बाइक जाती है। अभी ऊपर कैंपिंग करते हैं लोग जाकर और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होता है। सो यही वो माउंटेन है, पीछे साइड से रास्ता है, बहुत मज़ा आया था। तो वीडियो भी देखना ज़रूर, मैं हो सके तो आई बटन या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पुणे में लेना है मेरे को चैन ल्यूब्रिकेंट, क्योंकि मैं वो भूल गया हूँ घर पे, कुछ ना कुछ तो भूलता ही हूँ मैं। दो खूबसूरत घोड़े इस गाड़ी में जा रहे, कितने प्यारे यार। तो दोस्तों ये वो टर्न है, इसके बाद आपको राइड मारना है, सीधा आप जाओगे पुणे सिटी में, तो ये लिखा है सातारा कोल्हापुर, तो यहाँ से पुणे को बाईपास हो जाएगा ये रोड, तो हमें वो पुणे का ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा और वो झंझट से हम दूर हो जाएंगे। गजब की खूबसूरती, वाह, ये तालाब है या नदी है? तालाब है आई गेस, आई होप, जो भी है कितना खूबसूरत, इतना बड़ा ब्रिज और हम लोग उसी पे से जा रहे हैं। ओहो हो, अरे क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत। कातरज क्रॉस हो गया है, अभी कातरज टनल आएगा फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे, कोई एक छोटा होटल देख के चाय वगैरह। मुझे ये इसका नी पैड जो है वो बहुत इरिटेट कर रहा है, तो हम वो नी पैड निकालेंगे या तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, मेरे को नहीं जम रहा है, बहुत जल रहा है उसकी वजह से।
क्या बात है, क्या बात है यार, क्या नज़ारा है। नवीन कातरज गुप्ता 1457 किलोमीटर 58 किलोमीटर, मतलब करीब 1.5 किलोमीटर का टनल है और ये इसमें ही कर्व दे दिया। वाओ क्या टनल है यार, बीच में ही एक टर्न दिया। अरे वाह, अहिला पहुँच गए रे भाई, चाय पी लेंगे। नहीं पैर बहुत परेशान कर रहा है, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा राइड हुआ। चला काका, थैंक यू वेरी मच, चांगला होता खाना, मज़ा आला, भेटू कभी नेक्स्ट। हाँ हाँ चला येतो, मज़ा आ गया भाई, मिसल पाव खा लिया, अब लग रहा है मेरे को खाने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे थे हम कि घर वालों को पता चले कि हम कहाँ हैं, सो वो भी हो गया। रोड का काम चल रहा है, इस वजह से मेरे ख्याल से इस वजह से थोड़ा बुरा हाल है, वरना अल्पेश ने मुझे बोला था कि इधर एक नंबर है भाई, तू कातरज टनल क्रॉस किया तो कभी एक। अरे भाई साहब, ये भाई तेरे को जो करना है करना भाई, पर दूर दूर से चल, नज़दीक मत आ। तुझे बड़ा ही गजब घाट आ गया ये अचानक से, इसमें स्लीपर क्लच बहुत अच्छे से काम में आ गया, फटाक से डाउन शिफ्टिंग हो गया। क्या माउंटेन है यार, अच्छा इसको क्रॉस करना पड़ेगा, वाह पूरा गाड़ी दिख रहा है मुझे ऊपर से। अरे वाह रे वाह 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 वाह, बेचारे ट्रक का यही हाल, एक नंबर यार। क्या खूबसूरत सनसेट, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना खूबसूरत सनसेट देखने मिलेगा। और दोस्तों मेरे राइट में महाबलेश्वर, राइट लेफ्ट ओके, इस तरफ महाबलेश्वर है। अच्छा वो महाबलेश्वर है क्या, वाव यार 44 किलोमीटर यहाँ से नीचे से। तो 6:10 हो रहे हैं अभी और हम लोग पहुँच चुके हैं सातारा, और मेरे सामने है सातारा, बड़ा ही खूबसूरत मंजर। चलो थोड़ा रुकते, लाइट वाइट एडजस्ट करते, नी पैड एडजस्ट करते, टैंक फुल करते। तो सेकंड पेट्रोल हम भरा रहे 280 किलोमीटर पे, अभी भी 3 कांडी बची है, फिर भी 280 पे भरा देंगे, अब कौन रुकेगा यार, ये ट्रांजेक्शन ब्रेक ले रहे तो रुकना क्या क्या है। 280.1 3 कांडी, टाइम हो रहा है 6:24, 91.03 ठीक है, 740 इनफ है, 8.13 किलोमीटर लीटर ठीक है। आप भी आ रहे हो, अभी हाय तो कर दो, अभी आने वाली वीडियो में आप रहोगे। चलो सर मिल, आपका नाम सर? मेरा संजय जायसवाल। संजय जायसवाल सर, चलो फिर कभी आया घाट को पर तो मिलते। चलो थैंक यू, बाय, सेफ जर्नी। हाँ क्या गजब लाइट है भाई साहब। सो अभी खाना खा लेंगे, शाकाहारी खा रहे, कोई नॉन वेज नहीं, और राइड पे मैं शाकाहारी प्रेफर करता हूँ भाई, मेरे को नॉन वेज नहीं जमता राइड पे। इसका हालत देखो, ये कैसे टेढ़ा हो चुका है। शुक्र है भाई, बहुत चीज़ें खाने के लिए भाई। आप लोग का काम तो एकदम रोबोट की तरह है। समझा नहीं मतलब, वो ना जैसे रोबोट लोग का काम रहता है। हाँ में चलने का। हाँ वो तो है सही में, अभी ये सब इतना पहन के क्या रोबोट जैसे ही चलेगा ना। चलो भाई मिलते, कभी मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो कुछ छूटा तो नहीं ना, चलो सर मिलेंगे। ओह अभी खाया मैंने पनीर, पनीर बहुत टेस्टी था, पनीर 2 रोटी, अच्छा सा खाना, अच्छे लोग। चलो भैया अभी आप भी हमारे वीडियो में आओगे, कैमरा चालू है। हाँ मिलते हैं कभी। हाँ चलो भाई, लोग बहुत अच्छे थे सब, ट्रक्स वाले, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन लोग के साथ। सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कोल्हापुर, मज़ा आ गया। कोल्हापुर भी पता नहीं चल गया, अभी पता नहीं कितना बज रहा है, टाइम देख लेते हैं, 9 बज रहा है। हाँ तो वहाँ से आ गए एक हमारी चपेट में,
थी वहाँ से, इस वजह से गाड़ी पूरी वॉबल हुई। थैंक गॉड पंचर वाले भाई, इनका दुकान खुला था। कितना छोटा सा चीज़ था वो, छोटा सा चीज़ था। तो ये लगमा भाई, इन्होंने बहुत मेरा हेल्प किया। अभी फिलहाल टायर पंचर था, वॉबल हो रही थी गाड़ी रोड पे, तो इन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया। 5 मिनट ही लगा इनके लिए। तो मिलेंगे लगमा भाई को, यूट्यूब पे दिखा देंगे इनको। चलो फिर, ओके, थैंक यू। हाँ चलो सर, बाय। मेरा फोटो कल 2 दिन में आएगा। हाँ 2 दिन में मैं वहाँ पहुँचूंगा केरला ना, तो फिर वीडियो बना लूंगा फिर। चलो बाय। हाँ हाँ, लेट हुआ चलेगा आराम से। ओह, इतने प्यारे रोड पे अचानक से खड्डा आया, अचानक से खड्डा आया और गाड़ी अचानक फिर बाद में ऐसे ऐसे चलने लगी, नागिन जैसा हल्के से खड्डे में। अभी कितना मक्खन हो गई। बेलगांव दोस्तों, बेलगांव भी क्रॉस हो गया। अभी बज रहे हैं कुछ 10:45, तो एक घंटा 2 घंटा लग गया बेलगांव पहुँचते। कोल्हापुर से बेलगांव आ गया तो मुझे। ₹86.47, 4 रुपये कम। हाँ थैंक यू। हाँ कितना हो गया, 1220। आपका नाम क्या है? राकेश। वेलकम। तो 524 किलोमीटर, 2-3 बार था तो मैंने फुल कर लिया फिर से। और ये हमारे राइट साइड में हुगली है, अभी हम हुगली से हम जाएंगे राइट मार के। बहुत गर्दन पकड़ ली है मेरी। एंड अरे आराम से कोई बात। चाय दे दो और इसके लिए एक बिस्किट दे दो। गाड़ी अच्छी है। आपका नाम क्या है? समीर, राइट। चलो थैंक यू, मिलते समीर नेक्स्ट टाइम कभी आया तो। ये गांव का नाम क्या है? रामनगर। ओके थैंक यू। हाँ नाइस, कर दिया मैंने, कर दिया। हाँ ये, हाँ बेल आइकन, राइट। चलो बाय। चलो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल गए रास्ते में मुझे। अभी कंटिन्यू करते जर्नी। पंचर सोचा था पर हवा निकला है, पता नहीं क्यों हवा निकलते जा रहा है बार बार। ओ हो, उस तरफ से भी रोड आ रहा है क्या? बहुत ही बेकार ये रास्ता। अच्छा क्या नाम है आपका सर? केशव। इस्माइल। आपका? अमीन साहब। इस्माइल। चलो बाय। बड़ा ही गजब जंगल है ये। उनसे बात कर रहा था भाई से कि यहाँ पर जानवर कौन से हो गए, तो उन्होंने बोला जंगली जानवर में हाथी है यहाँ पर। तो जंगल के बीच से हम जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ी सी अंदर से फटी पड़ी है मेरी, बिकॉज अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला चल रहा हूँ। ये ट्रक्स आते तो थोड़ा सुकून लगता है। इतना बेकार रास्ता घाट में, मैं क्या बोलूँ अभी। इतना खूबसूरत घाट है और इतना घटिया रास्ता है ना, इरिटेट हो गया मैं। और सब में लंबा घाट मैं आज अपनी लाइफ में चला हूँ। मस्त पैकी नींद करके, नींद तो नहीं किया मैंने, मतलब आँख बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो गया। ज़बरदस्त गर्दन पकड़ लिया है मेरा। अभी जब लेटा मतलब कुर्सी पे बैठा था, हल्का मैंने बस गर्दन पीछे किया तो फिर सीधी हो रही नहीं थी गर्दन मेरी। देखो भाई साहब कहाँ से हम जा रहे हैं, अराउंड 22 किलोमीटर्स मुझे 20 किलोमीटर इसी घाट पर चलना है। और ये अमेजिंग सा ब्रिज, ओहो, कोई नदी है और उस नदी को मैं देखना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं अकेला हूँ इस रोड पे और मेरे को डर लगता है पानी से। चलो फिर बाकी। हाँ, ये क्या सीन हो गया यार। यार ये कहाँ लेके जा रहा है मेरे को, मेरे को लगता है पूरी सुबह मेरी ये घाट में होने वाली। ये क्या रोड का हाल हुआ है भाई साहब, ये रोड कहाँ से कहाँ आ गया। चलो भाई कोकण में आ गए हम।
और अभी चाय पीते एक सुबह सुबह का। ये कौन सा जगह है? हुन्नावर। अरे वाह, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा, ग्रीनरी ग्रीनरी, माउंटेन ही माउंटेन, खूबसूरत। जैसा फोटो में देखा था वैसा ही है। कैमरा गाइस जस्टिस नहीं कर पाएगा जो सीन मैं देख रहा हूँ। और अभी अभी मेरे गाड़ी में हो चुका है एक पंचर पीछे के टायर में, और पंचर बनाने वालों की तलाश चालू, और सब के सब बंद है। अल्लाह थैंक्स, पर बंद है, चालू है, कुछ पता ही नहीं, कोई है भी नहीं। 24 घंटा सर्विस लिखा तो है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:47 इन द मॉर्निंग, और हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग ऑलमोस्ट मैंगलोर के पास में है, उडुपी के पास में। अभी उडुपी यहाँ से करीब 50 किलोमीटर एक बच गया होगा शायद से। मेरे बालों की हालत, मेरे चेहरे की हालत, सब कुछ तबाह हो गई है। गाड़ी का हो चुका है पंचर, और हम लोग रुके हैं यहाँ पे इन भाई के पास, RS ग्रीसिंग टायर वर्किंग सर्विस के पास। तो ये रहे भाई। हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी ये टायर जो है पीछे का थोड़ा सा हल्का फ्लैट हुआ, तो फिर मैं थोड़ा रुका हूँ। आगे का टायर भाई, आगे का टायर भी चेक करना था भाई हमारे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। तो ये अनिल भाई हमारे अभी पंचर बनाएंगे। ये बिहार के हैं, और अभी हमें मिल रहे कहाँ पर, कौन, क्या जगह का नाम क्या है? हवा खोल के आ रहा हूँ। हाँ, जगह का नाम क्या है? ये बेलके। बेलके मेहू ढाबा। बेलके मेहू ढाबा पहुँचा हूँ अभी। मज़ा आ रहा है चलाने, बस गर्दन की तो मेरी लग गए वाट अब, इसलिए मैं सब कुछ निकाल के बैठा हूँ थोड़ा। पुराने पंचर में ही पंचर हो चुका है। चलो मिलते। मेरा एक फोटो निकालो यार इधर का। लाओ लाओ। अभी वीडियो इसी से कर रहे हैं। हाँ इसी से कर रहा हूँ। चलो मिलते फिर। ये ले लो यार। अरे रे 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 रे। इधर वीडियो मैं बनाता रहूँगा। ये रिटर्न आना पड़ता आपका अभी। क्या अभी क्या बोलूं मैं। खूबसूरत सा वेदर, खूबसूरत सी चीजें, और मुंह से मेरे सिर्फ वाव। अरे रे रे रे, क्या धूप, सूरज की किरणें आंखों में चुभ रही है अभी फिलहाल, इतना तगड़ा मार रहा है। अरे भाई एक नंबर यार, गजब, क्या गजब का व्यू है। पूरी भाजी खाओगे? तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर जाके देख के आते हैं, वहां तक बीच पे अलाउ नहीं है, ऊपर ही ऊपर है जो भी है। तो थैंक यू। तो ये मरवंते बीच है, हम लोग अभी फिर से जा रहे हो, दो हमारे ट्रक वाले भाई साहब भी आ गए। तो अब थोड़ा, अरे रे रे मेरी गर्दन, अला गर्दन की तो वाट लगी पड़ी है। दोस्तों हमारी बाइक ऊपर पाके भाई साहब के इधर से हमने चाय ली, और अच्छा खासा पूरी भाजी है। थैंक यू। चलो मुंबई। चलो बाय। बिल्कुल बाय। हाँ भाई इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ए कितना क्यूट डॉगी है, इसकी माँ कितनी क्यूट होगी। क्या कर रहे रे? अरे अल्लाह इसको लगा है रे यार। इसकी माँ नहीं है क्या? यार पता नहीं किधर गई है ना।
ओके भाई लोग चलते हैं अभी यहाँ से, इतने खूबसूरत नज़ारे को देखने को, आप बताओ और आगे हो ऐसे ही नज़ारे। ओ ये क्या गजब सीन है, ये क्या है, अरे यार अनबिलीवेबल प्लेस है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मैं एक और बार आऊँगा इधर पे। अरे मेरा मोबाइल, अरे इसकी भैंस की आँख, बच गया लक में आ गई नज़ारे के चक्कर में, गधा अक्ल नहीं है वैसे, कड़की लगी लिए। चलते हैं अभी आगे के सफर पर। भाई साहब क्या जगह है यार, पीछे माउंटेन, उसके आगे माउंटेन, फिर उसके आगे घास झाड़ नारियल की, क्या बात है क्या बात है क्या बात है यार। अरे भाई ये तो मैं एक फोटो जरूर लूंगा यहाँ पर। रे यार क्या गजब नजारा है भाई साहब, एक नंबर। वो क्या लग रहा है यार, क्या नाम है आपका? श्रीकांत। श्रीकांत भाई, अच्छा हाँ चलो सर बाय। हाँ मिलते हैं, थैंक यू। हाँ वो माबू का ब्रिज, ओ हो गजब। तो दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में उडुपी है, हम लोग उडुपी पहुंच चुके हैं और अभी हमें जाना है मंगलूर। चलो बाय। हाँ वेलकम टू केरला, वाव वी हैव एंटर केरला मैन। सैनिटाइजर का सब चल रहा था उधर, फाइनली अनदर स्टेट एडेड। खूबसूरत घर, खूबसूरती, ग्रीनरी सब नज़र आ रहा है इसमें जी। दोस्तों अभी हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 300 किलोमीटर बचा है और रोड जो है वो डबल लाइन हो गया है, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है मतलब चलने में। लास्ट 300 किलोमीटर देखा 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 ये ओवरटेक, रेती रेती बोट में से रेती आ रहा है, वाओ भाई बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है, इतना डेंजर तरीके से गाड़ी चल रही है ना यहाँ पर, पूछो मत, लोग कैसा भी घुस रहे यार, मतलब राइट लेफ्ट देखे नहीं, बस देखे हाँ थोड़ा खाली है डाल दो साफ करके। वीडियो देख लो, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। मैं जा रहा हूँ त्रिचूर। हा? त्रिचूर चलो भाई, थैंक यू। क्या नाम है? नियास। नियास इस्माइल। चलो चलो भाई, चलो सर। एक नंबर भाई, क्या पानी है रे, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर देना, और पसंद आया वीडियो तो वो भी कर देना। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, होश में ही नहीं हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। तो गाइस ये नॉन स्टॉप मैंने राइड किए और वो भी मेरी बैंड बजा दी, उसके बाद पावर नैप लग गए बिकॉज तब तक एनर्जी पूरी डाउन थी मेरी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय। वेट सेकेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।
टेक केयर बूम दिस वन हाँ इफ यू वांट सो यू विल कॉन्टेक्ट हिम एंड आस्क टेल हिम यू आर माय सब्सक्राइबर ऑसम बाइक का डोमिनार सीरियसली परफेक्ट फॉर टूरिंग राइट वाह क्या वेदर है बादल आ गए थे गोप्रो चालू करना बोला ना टफ है यार एकदम क्या वेदर हो गया पूरे बादल आ गए उस तरफ अमेजिंग क्या लग रहा है यार नारियल के झाड़ पूरे हर जगह तो ये जगह है कैलीकट आ गया मैं शफी भाई की फर्स्ट टाइम केरला में आया निकल लगा आ रही है एकदम केरला गुस्सा मेरा दिमाग में दस में पहुंच गया था केरला इंटर पूरा दिन मतलब मेरा 350 किलोमीटर और कैसे अपना केरला कैसे बड़ा हाईवे नहीं मिला ना बड़ा हाईवे इधर से आगे कुछ भी चीज़ों का फोर लेन रोड है कुछ